हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के नव नियुक्त चेयरमैन ब्रिगेडियर खुशाल सिंह का हमीरपुर कार्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर निगम के सचिव विक्रम महाजन ने ब्रिगेडियर खुशाल सिंह को गुलदस्ता देकर और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। अपनी नियुक्ति पर ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया और कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा, साथ ही पूर्व सैनिकों को सम्मान पूर्वक रोजगार देकर आर्थिक दशा को सुदृढ़ करना प्राथमिकता रहेगी। ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ने कहा कि 35 और 40 की उम्र में पूर्व सैनिक सेवानिवृत्त होकर आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार देकर जीवन को बढ़िया बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम में पूर्व सैनिकों को पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। वही फोरलाइन संघ समिति के मुद्दे पर खुशाल ने कहा कि फोर लाइन संघर्ष समिति के मुद्दे को पहले भी सरकार के समक्ष मजबूती से रखा गया है और अब सरकार का हिस्सा बनने के बाद फोर लाइन प्रभावितों को मुआवजा दिलाने के लिए बात रखी जाएगी ताकि लोगों को हक मिल सके। क्योंकि मेरी खुद की जमीन जारी है, कोई ये नहीं है कि हमने कोई उसको कोई इसके लिए बनाया, मेरी खुद की जारी है, बुजुर्गों की जारी है, मैंने कोई ली भी नहीं, समझ गया। तो लेकिन हमने यही आग्रह किया जो भी सरकार थी चाहे पहले की, इससे भी कर रहे हैं और इसमें हमारी सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई हुई है, ग्रेसल सिस्टम बनाए हुए हैं और अब मैं नजदीक हो गया, एक हिस्सा भी हो गया सरकार का, तो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पर मैं इसको ज्यादा जोर से इस बात को उनके सामने, अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने ला सकता हूँ। मेहरी स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हमीरपुर के तत्वावधान में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़सर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जबकि SDM प्रदीप कुमार ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिजड़ी विकासखंड की 29 ग्राम पंचायतों टिप्पर, ज्योली देवी, सोहारी, बल बिहार, कठियाणा, कुलेड़ा, जंजियाली, बैल, घोड़ी, दवीड़ी, डंडरो, क्यारा बाग, टिक्कर, राजपूता, महारल के अलावा अन्य 540 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पिछले 1.5 वर्ष के दौरान बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1,680 पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं तथा शेष रह गई 400 और महिलाओं को शीघ्र ही निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में योजना के तहत पात्र परिवारों के एक और अतिरिक्त गैस सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। बलदेव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 8 करोड़ महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए थे। प्रदेश की भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू कर ऐसे सभी पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन देने का निर्णय लिया जिनके पास अपना कोई गैस कनेक्शन नहीं था। इससे महिलाओं को जहाँ धुआं से निजात मिली, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी ये योजना सहायक सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े किसान, मजदूर तथा गरीब व्यक्ति की चिंता की है तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए हर वर्ष किसानों के बैंक खाते में डाले जा रहे हैं। अधिकतर किसानों के पैसे उनके बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत प्रधानों से आग्रह किया कि वे योजना के तहत पात्र किसानों के फार्म भरवाना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सके।
इस अवसर पर SDM बड़सर प्रदीप ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा अधिक से अधिक पात्र परिवारों से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे 11 अगस्त को दंगोटा में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिवराम राही ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 3,500 रुपए का गैस कनेक्शन पात्र परिवारों को निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र परिवार योजना का लाभ उठाने के लिए अपने फॉर्म भरकर संबंधित पंचायतों के माध्यम से भिजवा सकते हैं। इस अवसर पर बड़सर मंडल भाजपा महासचिव श्याम डडवालिया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष लीला शर्मा, पवन ठाकुर, विजय कुमार, खाद्य निरीक्षक रिचा सैनी, गैस सर्विस बड़सर, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के प्रभारी चमन लाल के अतिरिक्त विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।